So, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिसा की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद युसाकी हिगुची को पकड़ने का प्लान बनाता है। युसाकी वेडी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो हिगुची की कार में कैमरास और वाइट एप्स लगा दे। लाइट नमिकामा को फोन करता है और उसे सारा प्लान समझाते हुए बोलता है कि उसे हिगुची को पकड़ने में उसकी मदद चाहिए होगी। प्लान के अकॉर्डिंग साकुरा टीवी पर शो के दौरान मात्सुदा का फेस रिवील कर दिया जाता है और हिगुची उसका नाम निकलवाने के लिए योत्सुबा प्रोडक्शन जाने के लिए निकल जाता है और वेडी भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। और अब आगे मात्सुदा अभी भी साकुरा टीवी में बैठा अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। लाइट युसाकी को बताता है कि हिगुची अपनी कार में बैठा अभी भी साकुरा टीवी देख रहा होता है। इंटरव्यूअर मात्सुदा से पूछता है कि जैसे उसने बताया कि उस पार्टी में वो कीरा से भी मिला था। मात्सुदा बोलता है कि हाँ, लेकिन उस टाइम उसे ये नहीं पता था कि वो कीरा है। इंटरव्यूअर बोलता है कि उसने आगे आकर जो कीरा की आइडेंटिटी को रिवील करने का स्टेप लिया है वो बहुत बहादुरी का काम है। मात्सुदा बोलता है कि जब उसने कीरा को इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि कीरा को किसी को मारने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। हिगुची मन में सोच रहा होता है कि कीरा को नाम और फेस की जरूरत होती है। मात्सुदा बोलता है कि कीरा उसके बारे में दोनों में से बस एक चीज जानता है, इसलिए वो सेफ है। हिगुची मन में सोच रहा होता है कहीं इस पर्सन ने अपने नाम से रिलेटेड जितने भी सबूत थे वो कहीं मिटा तो नहीं दिए, और मैं योशिदा प्रोडक्शंस सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं जा रहा। हिगुची उसके बाद रैम से पूछता है कि उसे क्या लगता है। लाइट जो कि हिगुची की कार को ट्रेस कर रहा होता है बोलता है कि ये रैम कौन है, क्योंकि उसकी कार में और कोई नहीं होता। लाइट बोलता है कि कहीं हिगुची रेडियो के थ्रू तो नहीं बोल रहा। युसाकी बोलता है कि कार में कोई रेडियो नहीं है। रैम, what do you think? What do I think? About what may I ask? रैम, who's that? हिगुची रैम को बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो योशिदा प्रोडक्शंस के ऑफिस जाए और उसे वहां कुछ भी ना मिले। लाइट हिगुची की सारी बातें सुनकर बड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। रैम बोलती है कि वो उस बारे में कुछ नहीं जानती। हिगुची बोलता है कि अगर ये पर्सन थोड़ा सा समझदार निकला तो इसने टीवी पर आने से पहले सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए होंगे जिसमें इसका नाम है। हिगुची बोलता है कि उसे ये बात भी नहीं समझ आ रही कि उसे योशिदा प्रोडक्शंस के ऑफिस में घुसने की परमिशन इतनी आसानी से मिली कैसे। युसाकी बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि वो फिर भी ऑफिस में फाइल ढूंढने जरूर जाएगा। हिगुची बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइल में जो उसका नाम निकले वो भी गलत हो। रैम मन में सोच रही होती है कि ये सब लाइट और मिसा का प्लान होगा कि हिगुची योशिदा प्रोडक्शंस जाए, लेकिन अगर हिगुची पकड़ा गया तो वो सबके सामने ये रिवील कर देगा कि मिसा भी कीरा है। It must be light and Misa's plan to have Higuchi go to Yoshida Productions. रैम बोलती है कि उसे वहां जरूर जाना चाहिए क्योंकि अगर उसका नाम सही निकला तो वो उसे आसानी से मार सकता है। हिगुची बोलता है कि उसे सेफ रहने के लिए उन लोगों को भी मारना पड़ेगा जिन्हें उसने योशिदा प्रोडक्शंस में जाने से पहले कॉल किया था, जिसमें कंपनी का प्रेसिडेंट मिसा और उसके मैनेजर भी आते हैं। मिसा ये सुनकर बहुत डर जाती है। युसाकी बोलता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले क्योंकि वो उन लोगों को तब तक नहीं मारेगा जब तक वो मात्सुदा को ना मार दे। रैम मिसा को बचाने के लिए बोलती है कि वो इस तरह की भूल ना करे क्योंकि अगर वो उन लोगों को भी मार देगा तो उनके फोन रिकॉर्ड से ये साफ पता चल जाएगा कि उन दोनों को किसने मारा है। हिगुची बोलता है कि वो उन्हें मारने से पहले अपने कॉल्स उनके फोन में से हटा देगा। रैम बोलती है कि लेकिन टेलीफोन कंपनीज के पास उसका रिकॉर्ड फिर भी रहेगा। लाइट जो कि हिगुची की सारी बातें सुन रहा होता है बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा ये हिगुची किससे बात कर रहा है और ये रैम कौन है। युसाकी बोलता है कि अगर हिगुची इस टाइम सच में किसी से बात कर रहा है तो वो एक शिनिगामी भी हो सकता है। There's no way he can just be talking to himself. But who's Rem? Who is he talking to? If he's talking with someone right now, it could be a shinigami. Rem बोलती है कि क्यों ना वो डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ दे। हिगुची बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि अगर वो सारी मेमोरीज भूल भी गया तो भी वो बोल रहा है कि उसके पास मेरे खिलाफ पक्के सबूत है। हिगुची बोलता है कि अगर उसने इंटरव्यू में योत्सुबा की रीसेंट ग्रोथ के बारे में कुछ बोल दिया तो सबको यह यकीन हो जाएगा कि वो सच बोल रहा है। हिगुची बोलता है कि अगर उसके पास मेरे खिलाफ पक्के सबूत ना हुए और मैंने बुक रिटर्न कर दी तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
हिगुची अब फाइनली योशिदा प्रोडक्शंस के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में अंदर पहुंचने के बाद हिगुची बताए हुए ड्रॉअर में फाइल ढूंढने लग जाता है और फाइनली उसे वो फाइल मिल जाती है। रियुसाकी सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब फाइनली पता चल जाएगा कि हिगुची कैसे लोगों को मार पाता है। Now, Kira, how do you kill? Show me. हिगुची अपने बैग से डेथ नोट निकालता है और रियुसाकी के प्लान के अकॉर्डिंग मात्सुदा का गलत नाम डेथ नोट में लिख देता है और वहां से जाने लगता है। लाइट और रियुसाकी दोनों समझ नहीं पाते हिगुची ने उसे मारने के लिए कुछ किया क्यों नहीं और बस उसका नाम एक बुक में लिख दिया। मोगी जो कि आइबर के साथ उस टाइम वहां पर होता है रियुसाकी से पूछता है कि क्या वो हिगुची को पकड़े। रियुसाकी बोलता है कि अभी नहीं क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला है कि वो लोगों को मारता कैसे है। रियुसाकी बोलता है कि शायद वो कार में बैठकर मात्सुदा को मारने की कोशिश करेगा। हिगुची की कार में बैठने के बाद भी जब वो कुछ नहीं करता तो लाइट और रियुसाकी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हिगुची कार में बैठता है और मात्सुदा की डेथ का इंतजार करने लगता है और काउंटिंग कर रहा होता है और जब मात्सुदा नहीं मरता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। रियुसाकी बोलता है कि क्या उसे मात्सुदा को मारने के लिए सिर्फ उसका नाम उस बुक पर ही लिखना था क्या। और लाइट और रियुसाकी दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे होते। Damn, he didn't die! Well, what's he talking about? He said he didn't die. Did he already try and kill Matsuda? Was writing his name down all he had to do, or was Light बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बस इमेजिन करके लोगों को मार पा रहा हो। हिगुची दोबारा मीसा को कॉल करता है और मीसा उसका फोन काट देती है। हिगुची मन में सोच रहा होता है कि उसे उसका फेस तो पता ही है और क्यों ना वो शिनिगामी आइडियल कर ले क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी लाइफ वैसे ही फिनिश हो जाएगी। हिगुची रैम को बोलता है कि वो डील के लिए तैयार है। लाइट बोलता है कि कौन सी डील की बात कर रहा है और ये रैम कौन है। रियुसाकी बोलता है कि ये सच में किसी शिनिगामी का काम तो नहीं है। रैम, let's make the deal. The deal? What is this rem? A shinigami? Whatever it is, we need to keep watching him. अब फाइनली गुची के पास शिनिगामी आइज आ जाती है। हिगुची अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से बहुत तेज भगाकर ले जाता है। वेडी, मोगी और आइबर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। हिगुची की कार की तेज स्पीड की वजह से एक पुलिस ऑफिसर उसको रुकवा देता है और उसका लाइसेंस मांगता है। हिगुची लाइसेंस देखने के बहाने अपने बैग में हाथ डालता है और उस पुलिस ऑफिसर का नाम अपनी डेथ नोट में लिख देता है और भाग जाता है। मोगी भी पीछे पीछे अपनी कार भगा लेता है। वो पुलिस ऑफिसर एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से मारा जाता है। रियुसाकी सोच रहा होता है कि हिगुची ने बस अपना हाथ उस बैग में डाला और वो पुलिस ऑफिसर मारा गया। रियुसाकी सोच रहा होता है कि दूसरी बात ये कि उसे उस पुलिस वाले का नाम कैसे पता चला। रियुसाकी सोच रहा होता है हिगुची को अगर किसी को मारने के लिए उसका फेस चाहिए होता है तो वो मात्सुदा को कब का मार चुका होता। रियुसाकी मोगी और आइबर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि अब टाइम आ गया है कि वो हिगुची को पकड़ ले, लेकिन अपना फेस छुपाकर, क्योंकि अब हिगुची भी सेकंड कीरा की तरह किसी का फेस देख करके उसे मार सकता है। Everyone, it's too dangerous to allow further action by Higuchi. Let's bring him in. I believe he has the same powers as the second Kira. He is able to kill just by looking at someone's face. रियुसाकी वतारी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो उसकी कॉल एनपीए के डायरेक्टर से करवाए। रियुसाकी एनपीए के डायरेक्टर को बोलता है कि उन लोगों को कीरा के बारे में पता चल चुका है कि वो एक रेड कार में है और उस कार को कोई भी पुलिस ऑफिसर ना पकड़े क्योंकि वो उसे अपने हिसाब से पकड़ेगा। लाइट अपने फादर को एक्शन लेने के लिए बोलता है। चीफ यागमी साकुरा टीवी के हेड को बोलते हैं कि वो मात्सुदा की जगह एक डमी को बिठा दें और जो ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है उसे चलाकर शो को कंटिन्यू रखें और उतने टाइम में वो बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करा दें। रियुसाकी मीसा को चेन से बांध देता है और बोलता है कि उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहना होगा। रियुसाकी लाइट और वतारी को साथ लेकर हेलीकॉप्टर में हिगुची के पीछे निकल जाता है। लाइट रियुसाकी को बताता है कि हिगुची ने अपना रूट चेंज कर लिया है और अब वो साकुरा टीवी नहीं जा रहा। रियुसाकी बोलता है कि वो पक्का योत्सुबा के ऑफिस जा रहा होगा। हिगुची मन में सोच रहा होता है कि अब उसे ऑफिस जाकर वो वीडियो फुटेज निकालनी है जिसमें उसका फेस हो क्योंकि तब वो फाइनली उसका नाम देख पाएगा और उसे मार पाएगा।
हिगुची को योत्सुबा जाता देखकर युसाकी वेडी से पूछता है कि क्या उसने मात्सुदा से रिलेटेड सारी वीडियो टेप्स गायब कर दी हैं। वेडी बोलती है कि हाँ, उसने सारी वीडियो टेप्स गायब कर दी हैं, और वो साकुरा टीवी के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर हिगुची देखता है कि मात्सुदा से रिलेटेड जितनी भी टेप्स हैं वो सब इरेज्ड हैं। हिगुची मन में सोच रहा होता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है और उसे साकुरा टीवी जाकर उसे मारना होगा। What the hell? I can't find him. This is the right tape. Someone must have erased it. लाइट चीफ यागमी को बताता है कि हिगुची साकुरा टीवी के लिए निकल गया है और वो 15 मिनट्स में वहां पहुंच जाएगा और वो वहां रेडी रहे। चीफ यागमी और वेडी दोनों हिगुची को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिगुची फाइनली साकुरा टीवी पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और सोच रहा होता है इससे उसका काम और आसान हो जाएगा। हिगुची के पीछे पीछे मोगी और आइबर भी वहां पहुंच जाते हैं। हिगुची उस रूम में पहुंच जाता है जहां इंटरव्यू चल रहा होता है। हिगुची ये देखकर बहुत घबरा जाता है कि वहां सिर्फ डमीज पड़े हुए हैं। तभी चीफ यागमी और वेडी बाहर निकलते हैं और हिगुची के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। पीछे पीछे मोगी और आइबर भी वहां पहुंच जाते हैं। हिगुची बोलता है कि वो यहाँ बस किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आया था। हिगुची मन में सोच रहा होता है कि उन लोगों ने हेलमेट पहने हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि मैं कीरा हूँ। हिगुची बोलता है कि वो योत्सुबा की तरफ से यहाँ पर आया था। हिगुची अपना बिजनेस कार्ड निकालने के लिए बैग में हाथ डालता है और वेडी पर गोली चला देता है। चीफ यागमी वेडी को बचाने के लिए बीच में कूद जाते हैं और उनके हाथ पर गोली लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर हिगुची वहां से भाग जाता है और आइबर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आइबर हिगुची पर गोली भी चलाता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। मोगी रिसाकी को सारी अपडेट्स दे रहा होता है। चीफ यागमी बोलते हैं कि वो ठीक हैं और वो लोग अभी भी हिगुची को पकड़ सकते हैं। हिगुची कार लेकर वहां से भाग जाता है और सब उसके पीछे पीछे कार लेकर निकल जाते हैं। युसाकी बोलता है कि उन्हें भी हिगुची को पकड़ने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। हिगुची पागलों की तरह रोड पर गाड़ी चला रहा होता है और टास्क फोर्स के सब मेंबर्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं। हिगुची टीवी पर देखता है कि प्रोग्राम खत्म हो गया है। वो सोच रहा होता है कि बिना उसका नाम रिवील करे प्रोग्राम खत्म कैसे हो गया। तभी हिगुची देखता है कि पुलिस की काफी सारी कार्स आगे खड़ी होती है। हिगुची समझ जाता है कि ये सब उसको फंसाने के लिए एक प्लान था और कुछ नहीं। वतारी बोलता है कि उन लोगों ने पुलिस को इन्वॉल्व होने से मना किया था, तो ये पुलिस की कार्स कैसे? लाइट बोलता है कि काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। युसाकी बोलता है कि हाँ, ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। और तभी वहाँ आयजावा को दिखाया जाता है जो पुलिस की सारी कार्स लेकर वहाँ आया होता है। The only one who would do this is... Yes, you must be right. हिगुची अपनी कार को भगाने के लिए मोड़ता है लेकिन उसके पीछे रियुसाकी अपना हेलीकॉप्टर लगा देता है। हिगुची जैसे ही कार को भगाने की कोशिश करता है, वतारी गन से उसके कार का टायर पंचर कर देता है जिससे उसकी कार फाइनली रुक जाती है। लेकिन हिगुची अभी भी बाज नहीं आता और वो अपने सर पर गन पॉइंट करके सबको दूर होने के लिए बोलता है, लेकिन वतारी उसकी गन पर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है जिससे हिगुची के पास भागने के लिए कोई चारा नहीं बचता। It's over. Yes, it's over.